मिनट एक्स्ट्रा आपको देते हैं, क्योंकि आज जो स्पेशल ट्रेनिंग होने वाली है उस ट्रेनिंग को, बहुत ही स्पेशल वो ट्रेनिंग है। आप लोग देखोगे तो आप खुद सोचोगे कि आज जो सर्दियों का टाइम चल रहा है, सर्दियों के टाइम पे जो हमारा वेट को हम कैसे मेंटेन करें, वेट को लूज कैसे करें, क्योंकि ये प्रॉब्लम धीरे धीरे है ना सभी में आ रही है, और सब कोई चाहते हैं कि मेरा वेट लूज हो, सब चाहते हैं इस चीज के लिए। मेरे पास बहुत कॉल आती है कि मैम वेट लूज के लिए कुछ है क्या, मैम मैं अपना वेट कैसे मेंटेन करूँ, सर्दियां आ रही है, कुछ खाते हैं तो वेट बढ़ जाता है। तो अगर लोग चाहते हो कि हाँ वेट के लिए आपका सप्लीमेंट बहुत अच्छा बिके और सबका वेट भी मेंटेन है, तो 2 से 3 मिनट आपके पास है, जितना जल्दी से जल्दी हो सके अपने लोगों को इन्वाइट कर लीजिए, क्योंकि अभी टाइम हुआ है हमारे पास 8 बजे है, तो 2 से 3 मिनट आप लोगों के पास है। तो सोनी जी थोड़ा सा टाइम और ले लो, 2 से 3 मिनट, ताकि लोग आ जाए, क्योंकि जो ये स्पेशल ट्रेनिंग हो रही जा रही है इसको कोई भी चूक ना जाए इस ट्रेनिंग के लिए। और ओके जितने मैम, भी लोग और दो बहुत सारे लोग आ रहे हैं, आप इनको एंट्री कर दीजिए, एडमिट कर दीजिए अंदर। जी मैम, जी मैम, ओके। ओके। तो सभी लोग जल्दी जल्दी अपनी संख्या बढ़ाइए अपने साथियों की, क्योंकि मैम ने 2-3 मिनट का टाइम दिया है, इस टाइम का फायदा उठाओ। 57% हो चुके हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूटर, तो जल्दी से जल्दी इस चीज का फायदा उठाओ, क्योंकि आपको 2-3 मिनट मिल गया है और मैम ने आपको 2 से 3 मिनट दिया है, तो इसमें 100 लोग फटाफट पूरे कर दीजिए, क्योंकि इम्पोर्टेंट, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है मैम का, इम्पोर्टेंट सेशन है, तो इसको सुनने के लिए सभी को सुनाओ, खुद भी सुनो और अपने साथियों को भी सुनाओ। आठ बज के 3 मिनट हो गए हैं, मैम ने जो टाइम दिया है इसका फायदा उठाइए। आठ बज के 3 मिनट, इतना इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है, फटाफट ज्वाइन कराए, क्योंकि 61 अभी डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन हुए हैं जो भी हैं, क्योंकि मैम ने भी मैसेज दे ही दिया है कि बहुत अच्छा सेशन होने वाला है, तो फटाफट फोन कीजिए और बुलाइए अपने साथियों को और इम्पोर्टेंट मैसेज सुने कि आज क्या बताएंगे फैट पे, वेट लूज पे, क्योंकि हमें भी उतना नहीं पता है कि हमें क्या सप्लीमेंट्स देनी है, तो मैम से ही सीखना है और सभी खुद भी सीखना है और अपने साथियों को भी सिखाना है, तो यही अच्छा मौका है, ज्वाइन कराओ सभी को और सभी सुने कि क्या अच्छा सप्लीमेंट हम दे सकते हैं वेट अच्छा लूज। देख बेटा, जैसे पहले किया था ना वैसे ही कर दे, इससे ना पता नहीं चल रहा मेरे को, जैसे तूने पहले किया था ना वही कर दे, व्हाट्सएप से ही कर दे, व्हाट्सएप से ही कर दे। वाओ, 69, बज के 5 मिनट हो गया, जल्दी संख्या बढ़ाइए। चलो अब वॉल्यूम का कहाँ है इसमें, ठीक बढ़िया आता है, चलती है है ना, मेरी आवाज आ रही है? थैंक जी मैम, जी मैम, 8 बज के 5 मिनट हो गए, आप स्टार्ट कर सकते हैं मैम, यू मैम, 71 डिस्ट्रीब्यूटर हैं अभी। थैंक यू मैम, थैंक यू। और आज वेलकम। हमने जो आपको बताया था, आज हम उसी चीज पे लेकर चलते कि वेट के लिए। तो अगर आपने देखा होगा, आपने बहुत सारी चीजों के बारे में सुना होगा कि आप ये टैबलेट खा लीजिए, ये टैबलेट खा लीजिए, आपका ऐसे वेट मेंटेन रहेगा, तो वो चीज एक अलग मायने रखते हैं। लेकिन असल में आप अपने वेट को कैसे मेंटेन रख सकते हैं, और उस चीज पे आज हम बहुत अच्छी बात करेंगे। और आपने देखा है सबसे पहला जो हमारा पार्ट है वो आता है हमारा वेट एंड हेल्थ, यानी कि वेट एंड हेल्थ को अगर हम लेके चले, तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देती हूँ। मेरा नाम शीतल राजपूत है और मैं यहाँ पे 8 स्टार हूँ, और आज मेरा जो सेशन है वो वेट को लेकर है।
और मैं चाहूंगी कि इस सेशन को हर कोई बहुत ध्यान से सुने, और इसी को देख कर करके आज मैंने यहाँ से काफी सारे टूर क्वालिफाई किए हैं, और काफी मैंने यहाँ से कार पॉलिसी को अचीव किया है, कार फंड मैंने यहाँ से अचीव किया है, बहुत सारी चीजें मैंने यहाँ से अचीव की है। तो मैं चाहती हूँ कि ये जो वेट के ऊपर आप ये देख पा रहे हो, इससे काफी लोगों को आप बता सकते हो और अपना बिजनेस निकाल सकते हो, और इस बिजनेस को निकाल के आपका जो थाईलैंड टूर चल रहा है, हमारा जो लास्ट मंथ है, इसको हम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो हम इसको आगे लेके चलते हैं, वेट एंड हेल्थ। हमारे शरीर में आज जो सबसे बड़ी जो दो प्रॉब्लम चल रही है, वो चल रही है हमारी वेट और हेल्थ। और वेट और हेल्थ को अगर हम लेके चले, तो वेट कोई बीमारी नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि वेट बहुत भी बड़ी बीमारी है, मोटापा बहुत बड़ी बीमारी है। तो आपको दरअसल मैं बता दूं कि वेट कभी कोई बीमारी नहीं है, वेट की वजह से बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां होती है। अगर वेट आपका बढ़ा, मोटापा आपके अंदर आया, तो आपके अंदर बहुत सारी बीमारियां होगी, जिसमें थायराइड है, शुगर है, बीपी है, कैंसर है, हार्ट की प्रॉब्लम है, ब्लॉकेज है। यानी कि वेट बीमारी नहीं है, आप ध्यान से चीज को सुन लीजिए, वेट कोई बीमारी नहीं है। वेट की वजह से हमारी बॉडी में बहुत सारी बीमारियां आती है, और जिससे हमारी हेल्थ इधर उधर हो जाती है। और वेट कब बढ़ता है, हमारे लाइफ स्टाइल से। जब हमारी लाइफ स्टाइल खराब हो जाती है, हमारे खान पीन का हमारे पास कोई भी मतलब नहीं रहता, हम मैदे से बनी हुई बहुत सारी चीज खाते हैं। तो आज हम इसी चीज के ऊपर आपसे बहुत अच्छा बताएंगे कि कैसे आप अपने वेट को हेल्थ मेंटेन कर सकते हैं। तो आप ये चीजें समझ गए होंगे कि वेट कोई भी बीमारी नहीं है, वेट की वजह से हमारी बॉडी में बहुत सारी बीमारियां एंट्री कर जाती है। और आगे हम चलते हैं, इम्पोर्टेंट नोटिस आपके पास आज एक एक इम्पोर्टेंट नोटिस मैं आपको बताने जा रही हूँ। नोटिस ऑफ द कोर्स। सबसे बड़ी बात है कि हम यहाँ पे किसी को भी डॉक्टर बनाने की ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है। सबसे पहले तो आप दिमाग में एक बात बिठा लीजिए कि हम यहाँ पे किसी को भी डॉक्टर बनाने की ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं। हम आपको न्यूट्रिशन के बारे में बताने जा रहे हैं, सप्लीमेंट के बारे में बताने जा रहे हैं, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया था कि वेट हमारा जो है वो बढ़ता है हमारे खान पीन की वजह से, हमारे न्यूट्रिशन की कमी की वजह से। तो हम यहाँ किसी को डॉक्टर नहीं बना रहे। ये चीज आप किसी को भी अगर आप चेक करते हो, कुछ करते हो, तो पहले बता दीजिए कि हम कोई डॉक्टर नहीं है, हम न्यूट्रिशंस है, हम न्यूट्रिशन के बारे में आपसे बात कर रहे हैं। आज क्या करते हैं, एक्वालाइफ से हम लोग चेकअप करते हैं, वो चेकअप करने के बाद हम बहुत सारे लोग क्या है कि सप्लीमेंट को बता नहीं पाते। चेकअप तो कर लिया, लेकिन वे ये नहीं बता पाते कि इस बीमारी में हमें ये देना है या इस बीमारी में हमें ये देना है। तो हम ये चीजें बताने जा रहे हैं कि अगर आपको लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आपको वहां पे क्या टेबलेट देनी है, आपको किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो वहां पे आप कौन सी सप्लीमेंट वहां पे देंगे। तो हम ये चीजें यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि सप्लीमेंट के बारे में। दूसरा, अगर आप कहीं पे भी चेकअप करने जाते हैं और उनकी एलोपैथ की कोई भी दवाई चल रही है, तो प्लीज कोई भी उनकी एलोपैथ की दवाई आप बंद नहीं करवानी है, क्योंकि हम लोग क्या है, हम लोग डॉक्टर नहीं है। ये इम्पोर्टेंट नोटिस हम लोगों के लिए है, क्योंकि बहुत से लोग जाते हैं अपने आप को डॉक्टर बताना स्टार्ट कर देते, तो बहुत बड़ी गलत फहमी है लोगों की, और हमारी भी गलत फहमी है। तो हमें क्या करना है, हमें उन्हें ये बताना है कि हम न्यूट्रिशन के बारे में बताने जा रहे हैं, और चेकअप करने के बाद कौन सी प्रॉब्लम में हमें कौन सा सप्लीमेंट देना है। तो हमें टोटल किस चीज पे बात करनी है, सप्लीमेंट के ऊपर बात करनी है। और सारी है कि एक्वालाइफ मशीन, एक्वालाइफ मशीन जो हमारी सबसे अच्छी मशीन है, उनको हमें नाम बदनाम नहीं करना है, उसके साथ हमें क्या करना है, सप्लीमेंट को ऐड करना है। अब कहते हैं ओबेसिटी एंड मॉडर्न डिसीज, ये जो आप नाम से ही जान पा रहे हो, यानी कि मोटापा और नए जमाने की बीमारी। मोटापा और नए जमाने की बीमारी, आजकल नए जमाने की बीमारी क्या चल रही है, हमारी ओबेसिटी, हमारे खान पीन की वजह से जो हमारा मोटापा इतना ज्यादा होता जा रहा है, होता जा रहा है। उससे क्या क्या नए जमाने की जो बीमारियां नहीं है, आपने कभी पीछे के जमाने में अगर हम जाए, यानी कि 20 30 से 40 साल पहले अगर हम कहीं पे भी जाते हैं, तो ये बीमारियां नाम मात्र किसी किसी को होती थी। लेकिन आजकल क्या है, जैसे जैसे हम लोग मैदा खाते जा रहे हैं, ये नए जमाने की नई बीमारियां हमारी बॉडी के अंदर क्या करे, एंट्री करते जा रहे हैं, धीरे 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 एंट्री करते जा रहे हैं, और जिससे आज इतना खतरनाक बीमारियों ने जन्म ले लिया है कि जिसका कोई इलाज भी नहीं है। आप ये आप सोच भी नहीं सकते, जो हम खाना खा रहे हैं, जो हम बाहर का मैदा खा रहे हैं, जो हम ड्राई फ्रूट, ये जो हम बाहर की ये मोमोज वगैरह हुआ, ड्राई, ये जो हम खाते हैं बाहर की चीजें, इससे हम अपनी मौत को दावत दे रहे हैं।
धीरे 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 नए जमाने की बहुत सारी बीमारियां आ गई जो हमने कभी सपने भी नहीं सोचा था, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि एक हमारे खान पीन से इतनी बीमारियां हो सकती है, ओबेसिटी से इतनी ज्यादा बीमारियां हो सकती है। तो आप खुद देखिए कि हमारे खान पीन, हमारे मोटापे से नए जमाने की क्या क्या बीमारी हो सकती है। अब हम चलते हैं बीएमआई के ऊपर। बीएमआई निकालने का बहुत सारा तरीका होता है और वर्ल्ड वाइड भी होता है और इंडिया के अंदर भी। WHO का कहना है कि इंडिया की बीएमआई अलग होती है और पूरे वर्ल्ड की बीएमआई जो अलग होती है। अगर हमें बीएमआई को सही तरीके से कैलकुलेट करना है तो हमें क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये समझिए कि बीएमआई होता क्या है। बीएमआई का मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स। इसको अगर हमें सही तरीके से, हमें ये जानना है कि हम कैसे इसको निकाल सकते हैं बीएमआई को, कि हमारी बीएमआई अच्छी है, मतलब अंडर वेट तो नहीं है, या आइडल वेट तो नहीं है, ओवर तो नहीं है और ज्यादा ओवर तो नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि हमें उस पे जाना है, प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे जाने के बाद हमें क्या करना है, वहां से इसको इंस्टॉल करना है बॉडी बीएमआई कैलकुलेटर। अगर हम बीएमआई कैलकुलेटर को अपने इसको हम उस पे जाके, अगर हम इसको एक ऐप निकल जाएगा, उस ऐप के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि एक आइडल वेट कितना होने, बीएमआई हमारी बॉडी में कितनी होनी चाहिए। अगर किसी WHO का कहना है कि पूरे वर्ल्ड की अगर हम बीएमआई लेके चले तो अंडर वेट 18 से 5 से नीचे अगर किसी की बीएमआई है तो वो एक अंडर वेट है, ये पूरे वर्ल्ड की मैं बता रही हूँ। और अगर वो किसी की 18.5 से 24 तक है या उसके नीचे है तो वो एक आइडल वेट में आ जाता है। अगर 25 से 29 के नीचे अगर किसी की बीएमआई है तो वो ओवर वेट है। और अगर किसी की 25 से 30 यानी कि 30 तक हो जाती है बीएमआई तो वो ओवर का भी ओवर है, यानी कि ओबेस में आ जाता है वो। तो आप इसको आप वो प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए इस कैलकुलेटर, बीएमआई कैलकुलेटर को, और खुद देखिए कि मेरी बीएमआई ठीक है या नहीं है। और वही अगर मैं WHO के कहने के हिसाब से अगर मैं इंडिया के लेके चलूं तो अगर किसी की बीएमआई 18.5 से नीचे है तो वो अंडर वेट है, वो समझ लीजिए कि उसको अपना वेट बढ़ाने की जरूरत है। और अगर किसी की 18.5 से 23 तक है तो यानी कि वो आइडल वेट है, नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं, वो बहुत अच्छी उसकी है। अगर 23 से 27 तक अगर है तो वो ओवर वेट में चला जाता है। और अगर 27.5 तक भी पहुंच गई है, उससे ऊपर पहुंच गई, तो यानी कि वो ऑबिस में आ जाता है, बहुत ओवरवेट में आ जाता है। तो सबसे पहले तो हमें अपनी बीएमआई भी जानने की बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बीएमआई अगर सही होगी, इंचिस अगर सही होंगे बीएमआई का, हमारे बॉडी फैट पे बहुत 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 फर्क पड़ता है। अगर विद बॉडी फैट अगर मेल की कही जाए तो 30% है, फीमेल की कही जाए तो 35% है, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो। अब आते हैं हम फैट के ऊपर। हम लोग ये सोचते थे अब तक हम लोग क्या सोचते थे कि इंडिया के अंदर बहुत सारे मोटे मोटे लोग हैं, यानी कि जितना बॉडी फैट है वो सिर्फ इंडिया के अंदर है। अगर मैं आपको हकीकत बताऊं तो आज मलेशिया के जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा ओवरवेट है, मलेशिया के, थाईलैंड के, सिंगापुर के, मलेशिया के, और काफी सारे ताइवान है, बहुत सारी कंट्री है जिनका वेट बहुत ज्यादा है, और उसमें से मलेशिया नंबर 1 पे आता है जहाँ पे सबसे ज्यादा ओवर वेट के लोग पाए जाते हैं। तो आप लोग ये सोचेंगे कि बाहर की कंट्री के तो हम लोग बता रहे हैं, लेकिन इंडिया का तो कहीं पे नाम ही नहीं आ रहा है, क्योंकि हम लोग तो आज तक क्या सोचते आए थे कि शायद इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा फैटी लोग है, सबसे ज्यादा जो फैट होता है वो हमारे इंडिया के अंदर। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी मैं लेके चलती हूँ इंडिया का, ये रहा इंडिया के अंदर जो आप ये डाटा देख पा रहे हो। आज आपको हकीकत ये बता देती हूँ, इंडिया के अंदर फैटी लोग फिर भी बहुत कम है। 4 में से 1 बंदा ही आपको ओवरवेट मिलेगा। उसका मेन रीजन क्या है कि बहुत सारे घर ऐसे हैं जहाँ पे बाहर की चीजें नहीं खाई जाती, मैदा नहीं खाया जाता और बाहर की तला भुना नहीं खाया जाता। और आपको बता दें जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं वे तो इन चीजों को आज भी हाथ नहीं लगाते, वो क्या करते हैं घर का ही देसी खाना खाते हैं, जो घर में बनता है वही नॉर्मल खाना खाया जाता है। और हमारे यहाँ पे नॉन वेज भी बहुत कम यूज किया जाता है, ज्यादातर देखा जाए तो 50-50, इन फिर भी जो वेजिटेरियन लोग हैं वो भी बहुत ज्यादा है। तो जिसकी वजह से आज भी ओवरवेट यहाँ पे लोग कम है, ज्यादातर देखा जाए तो आजकल के बच्चे खाते हैं बाहर का।
आजकल के बच्चे नहीं मानते तो वे लोग खाते हैं, बाकी जैसे हम हुए और भी लोग कभी कभार खा लिया, जैसे महीने में खा लिया, 15 दिन में थोड़ा बाहर का खा लिया, वो खाते हैं। लेकिन बाहर की कंट्री के जो लोग होते हैं वो ज्यादातर नॉन वेज पे डिपेंड होते हैं, वो ज्यादातर बाहर का ही खाते हैं, ज्यादातर उनके यहाँ पे मैदा ही चलता है, तो वहां पे फैटी लोग इसलिए पाए गए हैं। और इंडिया आज चौथे नंबर पे क्यों है, क्योंकि आज भी लोग अपने आप को मेंटेन करे हुए रखे हैं, अपने आप का खान पीन पे बहुत सुधार है। और देखा जाए तो एक्सरसाइज भी बहुत सारे लोग करते हैं, योगा बहुत सारे लोग करते हैं, सुबह उठ के देखा जाए तो पार्क में बहुत सारे लोग घूमते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सुबह उठ के अपने घर में एक्सरसाइज करते हैं, 20 मशीन यूज करते हैं। तो उन्होंने क्या कर रखा है, अपने आप को मेंटेन कर रखा है। तो इंडिया ने आज भी ओवरवेट होने में अभी बहुत पीछे है, हम कहते हैं पीछे से पीछे, बहुत पीछे इंडिया चली जाएगी अगर ओवरवेट के मामले में अगर हम अपने आप को मेंटेन करके रखें तो। ये हमारे लिए खुशकिस्मती तो नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी कुछ हद तक इंडिया आज भी पीछे है। हमारी लाइफ स्टाइल फिर भी बहुत हद तक ठीक है, अपने हमारी दिनचर्या की वजह से। आज हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि खाना मत खाओ, तला भुना मत खाओ, आपको फैटी हो जाएगा, लीवर फैटी हो जाएगा, हम नहीं खाएंगे बाहर का। तो यानी कि इंडिया आज भी बची हुई है, आज भी लोग एक्सरसाइज करते हैं। अभी हम लेके चलते हैं आगे कि फैट, जो हमने बताया वेट के बारे में, उसका डाटा क्या है। 2023 के अंदर ये बताया गया, 2003 के अंदर वर्ल्ड वाइज ये बताया गया WHO की तरह से कि 5 बीमारियों ने इस इंडिया के अंदर बहुत बुरी तरह से जन्म ले लिया है। अगर हमारे अंदर ओवर वेट है, हम यानी कि हम फैटी है और हम खा, हमारा फैट दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, तो उससे हमारे शरीर के अंदर 5 बीमारियां सबसे पहले जन्म ले लेती है। हम लोग क्या सोचते हैं, हमने खाना खा लिया, हमने खाना खा लिया, हमारा पेट भर गया, बस काम खत्म। लेकिन ये नहीं पता कि जो हम खाना खा रहे हैं उस खाने की वजह से ही हमारी पूरी लाइफ दांव पे हम लोग लगा के बैठ जाते हैं। आज इंडिया के अंदर, इंडिया के बाहर बाहर भी 5 बीमारियां सबसे खतरनाक है, और जो आ रही है हमारी खान पीन की वजह से। तो अगर ये चीजें आज हमने समझ ली और हमने अपने आप को मेंटेन करके रख लिया, तो मैं कहती हूँ इस क्लास को लेने के बाद कोई भी ये नहीं कहेगा कि मैं अपना वेट लूज नहीं कर सकता या मैं वेट को मेंटेन नहीं कर सकता। तो वो 5 बीमारियां कौन सी है, सबसे बड़ी है ओबेसिटी, मोटापा। हम लोगों ने क्या कर, खाना खाया, चावल खा लिए, हमने रोटी दबा के खा ली, फ्रूट हमने थोड़ा बहुत खा लिया, बर्गर आया बर्गर खा लिया, कभी कोई चीज खा ली हमने वो खा ली, तो उससे क्या हो गया, हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज इकट्ठा हो गया। वो ग्लूकोज क्या है, विजल फैट में कन्वर्ट हो गया, और विजल फैट से बहुत सारी बीमारियों ने जन्म ले लिया, और वो हमारे मोटापे में सबसे पहला कारण है ओबेसिटी का, हमारे खान पीन की वजह से। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये WHO का कहना है। दूसरी आती है हमारे दिल की बीमारी, हमने खाना तो खा लिया, अब खाना खाने के बाद वो जो ग्लूकोज बना, जो ग्लूकोज इकट्ठा हो गया बहुत सारा, तो कहाँ चला गया, हमारी नसों के अंदर चला गया, और जब नसों के अंदर गया तो छोटे 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 उसने क्लॉट्स बनाने स्टार्ट कर दिए, और हमारे ब्लड को धीरे 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 उसने क्या करा, गाढ़ा करना स्टार्ट कर दिया, तो जिससे वो हार्ट के आसपास कैलेस्ट्रॉल के रूप में आके जमा हो गया। जब वो कैलेस्ट्रॉल के रूप में आके जमा हो गया तो उससे क्या, हमारे दिल और दिमाग की बीमारियां होनी स्टार्ट हो गई, कभी ब्रेन हैमरेज हो गया, कभी हमें हार्ट अटैक हो गया। तो ये बीमारियां आती है हमारी किसकी वजह से, हमारी लाइफ स्टाइल, हमारे खान पीन की वजह से। दूसरा आता है हमारे डायबिटीज, अगर जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज हमारी बॉडी में आया तो वो अगर हमारी नस ब्लड के साथ जाके मिल गया तो वहां से स्टार्ट होती जाती है डायबिटीज, यानी कि वहां से शुगर, पैनक्रिया वीक होने स्टार्ट हो जाते हैं, वहां से हो जाता है हमें शुगर, फिर होता है कैंसर। ज्यादा खाना खाने की वजह से न्यूट्रिशन हमें बॉडी में मिल नहीं रहा है, हम बाहर का खा रहे, जो भी है खा रहे हम बाहर का खा रहे हैं, अभी कुछ आ रहा है, कभी मोमोज आ रहा है, कभी हमारे ये चाउमीन आ रही है, कभी बर्गर आ रहा है, कभी पिज्जा आ रहा है, उससे क्या हो रहा है, हम जो जो देखा हमारी बॉडी में, हम उसे खाते जा रहे, खाते जा रहे, खाते जा रहे, उससे क्या हो रहा है, हमारे सेल्स के जो हमारे वो बॉडी के अंदर हमारी सारी जो बॉडी हमारी सेल्स से बनी हुई है, उसमें कुछ सेल्स बहुत बेकार सेल्स होते हैं, कैंसर वाले सेल्स, वो रीजनरेट हो जाते हैं, उससे किसी को लीवर का कैंसर हो जाता है, किसी को आंतों का कैंसर हो जाता है, किसी को ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है, किसी को ट्यूमर हो जाता है, और अनेक तरह के कैंसर उससे जन्म ले लेते हैं। और दूसरा आता है हमारे हड्डियों की बीमारी, हड्डियों में क्या कहता है, जब हमारे कैल्शियम पूरी तरह से नहीं, क्योंकि हमने खाना ज्यादा खा लिया तो कैल्शियम हमारा वहां पे नहीं बन पाता, कैल्शियम नहीं बन पाता तो धीरे 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 हड्डियों की बीमारी भी होना स्टार्ट हो जाती है। तो आप ये चीजें समझ गए होंगे कि वेट से कितनी सारी बीमारियां हमारी बॉडी के अंदर आती है, जो हमारे खान पीन है, उस खान पीन से 5 बीमारियों को हम खुद जन्म देते हैं।
ये बीमारी कहीं बाहर से नहीं आई है, ये बीमारी हमने खुद से अपनी बॉडी के अंदर दी है। अब जाते हैं हम इस चीज के अंदर, ये चीज आप बहुत ध्यान से सुनना। 2019 अगर आपने देखा होगा कि 2000 से लेके 2023 के बीच, यानी कि 4 साल के अंदर अंदर इस इंडिया के अंदर, 4 साल के अंदर इस इंडिया के अंदर, इंडिया 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 के बाहर भी, इन 4 सालों के अंदर कुछ बीमारियां ऐसी आई है जिसमें छुआछूत की बीमारी भी थी और हमारी खान पीन से भी बीमारियां हुई है। तो आपको मैं आज रियली एक चीज बता देती हूँ, छुआछूत की बीमारी, जैसे कि हमारा ये टीवी की बीमारी हो गई, हेजे टीवी की बीमारी हो गई, कोरोना भी उसमें से एक है, कोरोना की बीमारी, इनसे सिर्फ 44% लोगों की डेथ हुई है। कोविड की वजह से हमारे इंडिया के अंदर, इंडिया इंडिया के बाहर भी सिर्फ 44% लोगों की डेथ हुई है, और 80% जो डेथ हुई है वो हमारे खान पीन की वजह, हमारे वेट की, हमारी ओबेसिटी की वजह से हुई है। ये चीज बहुत ध्यान से सुनना। हम लोग सोचते थे कि कोरोना में बहुत सारे लोगों ने मरा, नहीं, कोरोना से सिर्फ 44% लोगों की डेथ हुई है, और 80% लोगों की जो डेथ हुई है वो ये हमारे, हमारी इन बीमारियों की वजह से, जो आपको मैंने बीमारियां बताई थी, हमारे थाय, हमारे शुगर की वजह से, हमारे हार्ट की, किडनी की, और ये हमारी कैंसर की, हड्डियों की, ब्रेन हैमरेज से, इससे ज्यादा बीमारियां, इस इन बीमारियों की वजह से ज्यादा लोगों की डेथ हुई है। तो आप समझ पा रहे हो कि हम जो, हमारा जो रहन सहन है, जो हमारी लाइफ स्टाइल है, हम किस तरह की लेके जा रहे हैं। अब हम आगे चलते हैं। यह है मेटाबॉलिक सिंड्रोम, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने इसको समझ लिया तो आपको पूरा पार्ट आपने समझ लिया। मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या है? हम लोग क्या करते हैं, हम खाना खाते हैं, हमने खाना खाया पचाया, हमने खाना खाया पचाया। आपको पता है कभी कभी हम जैसे खाना खा रहे, बार बार खाना खा रहे, ज्यादा ज्यादा खाना खा रहे, तो वो जितना भी खाना है वो सारा खाना हमारे ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। हमने जितना भी खाना खाता है वो सारा हमारा क्या करता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, और वो ग्लूकोज हम पैनक्रियास के पास चला जाता है, और पैनक्रियास उसको छान के बीटा सेल को दे देती है, और बीटा सेल दे देता है उसको इंसुलिन को, और वो इंसुलिन हमारी बॉडी में एनर्जी प्रदान करता है, पूरी बॉडी जो हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, जो हम पूरे दिन एक्टिव रहते हैं, उसका सारा काम है इंसुलिन का। अब क्या होता है, हम बार बार खाना खा रहे हैं, बार बार खाना खा रहे हैं, ज्यादा खाना खा रहे हैं, तो उससे क्या कि ग्लूकोज ज्यादा मात्रा में बन जाता है, और जब ज्यादा मात्रा में बन जाता है तो पैनक्रियास उसको छानते छानते थक जाती है, या पूरी तरह से छान नहीं पाती, या वो जो छलनी है वो छलनी थोड़ी वीक पड़ जाती है, कुछ छान पाती है कुछ नहीं छान पाती है। जब वो नहीं छान पाती है तो वो बीटा सेल को भी कम दे पाती है, जब वो बीटा सेल को कम देगी तो इंसुलिन, बीटा सेल इंसुलिन बनाने में प्रॉपर योगदान नहीं मिल पाएगा। आप इस चीज को समझे, हमने खाना खाया, खाना हमारा ग्लूकोज को, ग्लूकोज बना, ग्लूकोज चला गया हमारी पैनक्रियास के पास, पैनक्रियास ने उसको दे दिया बीटा सेल को, और बीटा सेल ने जनरेट कर दिया इंसुलिन में। अब क्या, आप आगे का सुनो, अब क्या उसे छान नहीं पाई, जब तक ग्लूकोज देने की वजह से पैनक्रियास ने क्या करा, उसको छान ही नहीं पाई, जब छान नहीं पाई तो जो बचा हुआ ग्लूकोज है वो कहाँ जाएगा, वो चला जाता है हमारे ब्लड, कुछ चला जाता है हमारे ब्लड के अंदर। अगर वो ब्लड के अंदर चला गया तो वहां से उसने क्या करा, ब्लड शुगर होनी स्टार्ट हो गई, और अगर वो हमारे लीवर के आसपास चला गया तो उसे एक लिक्विड तैयार हो जाता है जिसे बोलते हैं कैलोस्ट्रॉल, और अगर वो कैलोस्ट्रॉल बन गया तो कैलोस्ट्रॉल से हमारे हमारे ब्लड के साथ मिलके जगह जगह क्लॉट्स पैदा कर देता है, ब्लड को गाढ़ा कर देता है, जिसकी वजह से हमारी किडनी फेल हो जाती है, हमारा लीवर फैटी हो जाता है, लीवर डैमेज हो जाता है, साथ में हमारे हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि हार्ट को प्रॉपर पंपिंग नहीं मिल पाती क्योंकि कैलोस्ट्रॉल में जमा हो चुका है। और अगर वो हार्ट अटैक की दिक्कत इससे आ जाती है, ब्रेन हैमरेज इससे हो जाता है, क्योंकि ग्लूकोज तो कहीं ना कहीं जाएगा, और बचा हुआ ग्लूकोज अगर हमारे इधर उधर हमारे विजल फैट के ऊपर जाके चिपक गया तो उससे हमारी बहुत सारी बीपी की प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम, कैंसर, आंतों का कैंसर, बहुत सारी ऐसी बीमारियां होने स्टार्ट हो जाती है जिसे हम सपने में भी सोच नहीं सकते। तो ये जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम, अगर हमने आज इसको समझ लिया, अब क्या आप लोगों का एक क्वेश्चन होगा कि खाना तो पहले भी बहुत सारे लोग बहुत सारा खाते थे, आपने एक मजदूर देखा होगा, किसान देखा होगा, बहुत सारा खाना खाता है, लेकिन उसको कभी ये बीमारी क्यों नहीं हुई? तो आप एक चीज समझिए, अगर आपने खाना खाया और खाने के बाद आपने कैलोरी को बर्न नहीं किया तब ही वो ग्लूकोज को नहीं छान पाती,
अगर आप खाना खाने के बाद अपना एक्सरसाइज कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, आप खेतों में काम कर रहे हैं, आप साइकिल चला रहे हैं, आप अपनी दौड़ लगाने जा रहे हैं, हर काम हाथ से, अपना घर का झाड़ू पोछा आप अपने हाथों से कर रहे हैं, तो क्या हुआ, वहां पे कैलोरी आपकी बर्न होनी स्टार्ट हो जाएगी और वो जो ग्लूकोज है वो आपके बॉडी में नहीं फैलेगा, वो डायरेक्ट जाके आपके इंसुलिन बनना स्टार्ट हो जाएगा। बीच का जो प्रोसेसर है हमारे बीटा सेल और हमारे पैनक्रिया, उसको बहुत अच्छी तरह से करना स्टार्ट हो गया, क्योंकि उससे वो भी एक्टिव हो जाएगी। लेकिन जब हम करेंगे ही नहीं, जब हम एक्टिविटी हमारी बॉडी के अंदर है नहीं, हम खाए जा रहे खाए जा रहे, जब खाए जा रहे हैं तो एक छलनी भी तो एक दिन तक थक जाएगी, जब वो थकेगी तो धीरे 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 बीमारियां आनी स्टार्ट हो जाएंगी। फिर हम लोग क्या करते हैं, मैं तो ऐसा कुछ खाता ही नहीं हूँ लेकिन फिर भी मेरा वेट बढ़ता जा रहा है। अब समझ में आया वेट क्यों बढ़ रहा है, तो आपको करना क्या है, या तो आप थोड़ा थोड़ा खाना खाओ, थोड़ा 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 करके खाना खाओगे तो पैनक्रियास आराम से छान पाएगी, जब आराम से छान पाएगी तो वो हमारे बीटा सेल को दे देगी, जब बीटा सेल को दे देगी तो वो इंसुलिन में कन्वर्ट कर देगा। या फिर आप मेहनत इतनी करो, खाना अपने पेट भर के खा ले तो मेहनत इतनी करो, साथ में फाइबर लेके चलो, प्रोटीन की मात्रा ज्यादा लेके चलो, फाइबर जाके लेके चलो, पेट भरने से मतलब है पेट पेट भरो अपना, तो ये मेटाबॉलिक जो सिंड्रोम है ये नहीं होगा आपको। तो ये चीज मैं समझती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे मोटापे का मेन रीजन क्या है, हमारा ज्यादा खाना खाना और हमारी एक्टिविटी को ना कर पाना। अब एक चीज समझिए, अब ये WHO कहता है कि 1 में 4 में से अगर एक बंदे को मेटाबॉलिक है तो 6 गुना चांस बढ़ जाते हैं कि उसके अंदर डायबिटीज होने के। मैं ये नहीं कहूंगी कि हो चुकी है, उसके चांस बढ़ जाते, 6 गुना चांस बढ़ जाते कि उसको शुगर होना ही होना है, और 4 गुना चांस बढ़ जाता है उसका बीपी बढ़ने का, बीपी लो है, बीपी हाई है, ब्रेन हेमरेज है, ये 4 गुना बढ़ जाता है, और 3 गुना बढ़ जाता है दिल और दिमाग की बीमारियां, और 4 गुना बढ़ जाता है हार्ट की प्रॉब्लम, हार्ट स्टॉक हो जाना, और 3 गुना बढ़ जाता है कैंसर का, अनेक तरह के कैंसर, आंतों का कैंसर, लीवर कैंसर, हार्ट, ये हमारे लीवर के हार्ट के कैंसर, पित्त की थैली में कैंसर, 1000 तरह के कैंसर बन जाते हैं। और WHO कहते हैं कि 70% डेथ हमारे मेटाबॉलिक सिंड्रोम की वजह से ही होती है। आप चीजें समझ में आई कि 4 गुना, 1 में से 4 में से अगर एक बंदे को मेटाबॉलिक सिंड्रोम है तो 6 गुना चांस बढ़ते शुगर होने के। तो आप प्लीज ये चीज ध्यान से सुने कि आप जो खाना खा रहे हैं, आप उससे जो मोटापा बढ़ रहा है, कहीं आप शुगर की तरफ तो नहीं जा रहे हो, कहीं आप बीपी की तरफ तो नहीं जा रहे हो, कहीं आप दिमाग की बीमारी की तरफ तो नहीं जा रहे हो, कहीं आप हार्ट अटैक की तरफ तो नहीं जा रहे हो, कैंसर की तरफ तो नहीं जा रहे हो, यानी कि आप अपनी मौत को खुद दावत दे रहे हो। क्योंकि ये मैं नहीं, ये WHO कह रहा है कि 71% डेथ होती है वर्ल्ड वाइड इस मेटाबॉलिक सिंड्रोम की वजह से। अब हम आगे चलते हैं। सॉरी, इम्पैक्ट ऑफ द ओबेसिटी, इनसे क्या बीमारियां इम्पैक्ट, मोटापे के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं, मोटापे से हमें क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। आपने बहुत सारी बीमारियों के बारे में आपको मैंने बता दिया, आज एक बीमारी इसमें से सबसे खतरनाक बीमारी ये आ रही है सबसे ज्यादा, कि आपने सुना भी होगा कि वो रात को बिल्कुल ठीक ठाक सोया, सुबह देखा तो मरा हुआ निकला, यानी कि कहते हैं ना मिनी अटैक, मिनी हार्ट अटैक, मिनी अटैक उसको पड़ गया। तो आपको ये बता दूं कि आज ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा ओबेसिटी की वजह से ही आ रही है। हम लोग क्या करते हैं, पेट भर के खाना खाया, रात को आराम से सो गए, जब सोते रहते हैं तो क्या होता है, सांस लेने में धीरे धीरे उसको दिक्कत आने लगती है, और वो जो गहरी नींद में होता है तो उसको पता भी नहीं चलता, सोते सोते हम उसका दम घुट जाता है, दम घुटने की वजह से क्या होता है कि उसकी मौत हो जाती है। और जो दिल की बीमारी, दिमाग की बीमारी है, वो भी इसी की वजह से ही हमारे पास आ जाती है। और आपको बता देती हूँ, जैसे जैसे हमारा वेट बढ़ता है वैसे वैसे हमारा जो हार्ट होता है, हार्ट का जो साइज होता है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, उसका साइज जो है वो चेंज हो जाता है, जब वो साइज चेंज हो जाता है तो उससे हार्ट फेल होने के बहुत बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं।
और सबसे ज्यादा खतरनाक जो प्रॉब्लम चली है वो हमारे हार्ट अटैक की, और जो मिनी अटैक की, सोते सोते आदमी कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। तो बहुत सारी जैसे दिल दिमाग की बीमारी हमारी ओबेसिटी की वजह से आती है, और हमारे जो मिनी अटैक है वो हमारे इसकी वजह से आती है, और हार्ट का जो साइज चेंज होता है वो हमारा किसकी वजह से आया है, हमारे ओबेसिटी की वजह से ही हमारे हार्ट का जो साइज है वो चेंज हो जाता है, जिससे हार्ट अटैक बहुत जल्दी हो जाता है, पता ही नहीं चलता। मिनट में बंदा कहता है कि मेरे को गैस बन रही है, गैस बनते बनते मुंह से झाग आना स्टार्ट होता है, बंदा खत्म। कहते अभी तक तो बिल्कुल ठीक था, उसको तो नॉर्मली हल्का सा गैस, वो गैस नहीं बनी थी, यानी कि उसके हार्ट का जो साइज था वो चेंज हो चुका है, हार्ट का साइज बढ़ चुका था, वो किसकी वजह से, ओबेसिटी की वजह से। और अब चलते हैं कॉज केयर्स ऑफ द ओबेसिटी, इसके बारे में हम जान लेते। आपने जो देखा है, ये चीज बहुत ध्यान से आप लोग सुनना, 1900 यानी कि 100 साल पहले जो बीमारी थी, 100 साल पहले जो खतरनाक बीमारी थी वो आज कुछ भी नहीं है, और जो आज कुछ भी नहीं है वो कल 1900 में बहुत खतरनाक प्रॉब्लम थी। अब मैं आपको समझा देती हूँ, 1900 के अंदर 100 साल पहले जो बीमारियां थी वो कौन सी बीमारियां थी, वो थी हैजा, टीवी, चेचक, इतनी खतरनाक बीमारियां थी उस टाइम पे कि लोग इन्हीं में डेथ कर जाते थे। और वहां पे नॉर्मल बीमारी क्या थी, किसी एक या दो को कभी शुगर वगैरह हुआ, थायराइड हुआ, बीपी वगैरह हुआ, तो क्या करता था, एक्सरसाइज के थ्रू उसको क्या करता था, मेंटेन कर लेता था। और लेकिन मौत किस चीज से हो जाती, हमारे की बंदे को हैजा पड़ गया, बंदे को टीवी हो गई, बंदे को क्या कि बंदा चलता था और एकदम से उसकी डेथ हो गई, वो किसकी, छुआछूत की बीमारी उसको बोलते थे। लेकिन आजकल वो कुछ भी नहीं, आजकल आप बताइए क्या कोई बंदा मरता है, टीवी से मरता है, नहीं मरता है, हेजे से मरता है, नहीं मरता है। क्यों नहीं मरता है, क्योंकि आज हमें पता चल गया कि इनसे हम कैसे खुद को ठीक रख सकते हैं। कोविड का भी हमें पता चल गया कि हमें कैसे अपने आप को मेंटेन करना है, बट जो बीमारी उस टाइम पे कुछ भी नहीं थी, यानी कि थायराइड, शुगर, ओबेसिटी, कोई कोई बंदा मोटा होता था कोई बात नहीं, उसको कुछ नॉर्मल माना जाता, आज उस ओबेसिटी की वजह से आप बताइए कितनी डेथ हो रही है, कितनी डेथ हो रही है, आप खुद आइडिया लगा लीजिए। पहले लोग साइकिल पे जाते थे, अगर वो मोटे थे तो भी साइकिल थी, कोई हमारी ओला नहीं थी, घर से बाहर निकले हमने ओला बुक करी, ओला में बैठे अपने घर चले गए, नहीं ऐसा कुछ नहीं था, हम साइकिल पे बैठते थे और साइकिल चला के वहां तक पहुंच जाते थे, यानी कि बीमारी जो मोटापा भी था वो भी उनका मेंटेन था, उससे बीमारियां पैदा नहीं होती थी। और आजकल क्या है, आजकल कपड़े धोने की मशीन हमारे पास है, पोचा हम खड़े खड़े लगाते हैं, और कहीं जाते तो हम ओला एकदम से तैयार हमारे पास मिलते, तो एक्टिविटी क्या है हमारे पास, कुछ भी नहीं है, बैठे हम टीवी चला रहे। पहले जो गेम होते थे वो बच्चे बाहर जाके खेलते थे, आउटडोर गेम थे, आजकल सारे इंडोर गेम है। क्या कर रहे हैं हम लोग, उसमें फोन पे लगे पड़े हैं, गेम खेल रहे हैं, बच्चे गेम खेल रहे हैं, तो क्या हो रहा है, बीमारियां पैदा हो रही है। तो पहले क्या था, जो बीमारियां पहले थी आज कुछ भी नहीं है, और जो कुछ भी नहीं थी पहले आज उसने महाकल्याण कर रखा है इंडिया के अंदर, इतनी तबाही मचा रखी है कि WHO का कहना है कि बहुत ज्यादा जो डेथ हो रही है 80% और 71% वो हमारी ओबेसिटी की वजह से हो रही है। तो आप इस चीज को समझिए कि हम लोग कर क्या रहे हैं। अब ये देखिए, 100 साल पहले कोई भी बाहर का खाना, मैदा या मैदा से बनी हुई कोई भी चीज हमारे पास नहीं थी, ये जो आप देख पा रहे हैं। यूएसए का मैं बता देती हूँ, 1919 में ANW करके एक कंपनी आई थी, और उसके बाद में व्हाइट कैस्टल आई थी 1921 में, KFC आई थी 1930 में, और बर्गर किंग आया था 1953 में, यानी कि ये कब इससे स्टार्ट हुआ, 1919 से, उससे पहले तो ऐसा कुछ था ही नहीं, लोग घर का खाना खा रहे थे। तो 1919 से यानी कि 100 साल पहले यहाँ पे कोई भी बीमारियां नहीं थी, क्यों, उसका वजह था कि इस तरह का कोई भी चीज नहीं थी। आपने देखा बर्गर, आज हर एक का पेट बर्गर बन रहा है, जैसे बर्गर क्या फूला हुआ होता है, ऐसे क्या आप बताइए क्या आज हमारा पेट बर्गर बन चुका है, इसी तरह से लोगों की टमी बाहर आ रही है, टमी बाहर निकल रही है, जो आप देख पा रहे हो। अब हम लेके चलते हैं कि हमारे खान पीन की वजह से एक लेडीज के अंदर कहाँ पे फैट पहले जमता है, जेंट्स के अंदर कहाँ पे जमता है। अगर मैं बता दूं, अगर कोई लेडीज के अंदर ओबेसिटी यानी कि मोटापा बढ़ना स्टार्ट हो गया तो वो बढ़ता है हमारे ब्रेस्ट पे भी जमा हो जाता है, हमारे नाभि के पास जमा हो जाता है, और हमारी जांघ पे स्टार्ट हो जाता है, और पीछे हिप पे भी, थोड़े हिप भी उनके भारी हो जाते हैं। और अगर जेंट्स का लेके चले तो जेंट्स की टमी पे आ जाता है, जांघ पे आ जाता है, और हिप के अंदर आ जाता है,
जो आप देख पा रहे हो, और ये रियलिटी है। आप किसी भी मोटी लेडीज को देख लीजिए, उनका जो ढांचा होगा सबसे पहले यहीं से खराब होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये है ओबेसिटी होने के और भी क्या कारण है, अदर क्या रीजन हो सकता है। एक तो फैमिली हिस्ट्री, बहुत से लोग कहते हैं ना इनके तो फैमिली में सारे ही मोटे हैं, बोलते हैं ना ऐसा, कि यानी कि लाइफ स्टाइल, यानी कि सॉरी फैमिली हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री से भी ओबेसिटी बढ़ती है। हमारी लाइफ स्टाइल, हमारा का जो इन्वायरमेंट है उसमें, हमारा जो खान पीन है, इन्वायरमेंट है एंड लाइफ स्टाइल है, उससे भी हमारा मोटापा बढ़ता है। डिप्रेशन से भी, आपने देखो कि लोग डिप्रेशन में होते हैं, डिप्रेशन में होते होते वो अपने जीभ के टेस्ट के लिए क्या करते हैं, मिठाई खा लेते हैं। डिप्रेशन वालों को ज्यादातर देखा होगा, डिप्रेशन है, बीपी लो चला गया है, इनको मीठा खिलाइए। जैसे वो मीठा खाते तो उनको बहुत अच्छा लगता है, तो उनको उससे क्या होता है, उनका वेट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। ज्यादा सोने की वजह से भी हमारा वेट बढ़ता है, और हमारा जो सोशल मीडिया, यानी कि जो पैसों की प्रॉब्लम होती है, उन चीजों को लेके भी हमारा जो है वेट बढ़ जाता है। जो हम दवाइयाँ खाते हैं, मेडिसिन जो हम खाते हैं, कुछ दवाइयाँ ऐसी होती है जिससे हमारा वेट बहुत ज्यादा बढ़ता है। हमारा पोल्यूशन की वजह से भी वेट बढ़ता है, ड्रिंक करने से भी पेट पर हमारा मोटापा बढ़ता है, और साथ में हमारी स्ट्रेस यानी कि टेंशन लेने से भी हमारा वेट बढ़ता है। तो ये ओबेसिटी बढ़ने की रीजन है, आप इसको बहुत ध्यान से देख लीजिए। फैमिली हिस्ट्री भी होती है, टेंशन होती है, डिप्रेशन होती है, दवाइयों से बढ़ता है, ज्यादा सोने से बढ़ता है, अल्कोहल लेने से बढ़ता है। तो प्लीज आप अपने आप का ध्यान रखें कि ये चीजें आपके अंदर ना हो, अगर है तो इनको दूर कर लीजिए। अब आते हैं कि हमारी इन जो न्यूट्रिशन क्या है, इन चीजों के बारे में जान लेते। अगर आपका बैड है डाइट है, अगर आप खाना बाहर का खा रहे हैं, बाहर आपकी जो डाइट है वो बिल्कुल बेकार है, तो आपके जो लाइफ स्टाइल होगी वो भी बेकार होगी, यानी कि बैड लाइफ स्टाइल होगी, और आपकी जो हेल्थ है वो भी बेकार होगी। यानी कि कहाँ से स्टार्ट हुआ, आपकी डाइट से। डाइट आपकी गलत है, बाहर का खा रहे हो तो लाइफ स्टाइल भी आपकी गलत होगी, और साथ में आपका हेल्थ भी बेकार होगी। वहीं पे अगर आप न्यूट्रिशन ले रहे हो और तो आपकी डाइट अच्छी है तो आपकी लाइफ स्टाइल भी अच्छी होगी, और आपकी हेल्थ भी बहुत 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 अच्छी होगी। द रिस्क ऑफ द ओबेसिटी, ओबेसिटी से क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, आपको शुगर हो सकता है, आपको बीपी हो सकता है, आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको स्ट्रोक हो सकता है, आपको स्लीप एनिमा हो सकता है, मोटापा हो सकता है, फैटी लीवर हो सकता है, और जो आप ये देख रहे हैं किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है, शुगर हो सकती है, बहुत सारी प्रॉब्लम ये हमारी किसकी वजह से हो रही है, वो सारी हो रही है हमारी ओबेसिटी की वजह से। तो आप देख लीजिए आप जो खा रहे हो, जो आपका खान पीन है, वो कहाँ तक आपको लेके जा सकता है। ये जितनी भी प्रॉब्लम है ये सारी किससे हो रही है, आपकी ओबेसिटी की वजह से। ओबेसिटी कहाँ से आ रही है, आपके खान पीन से। तो इतनी सारी जितनी भी बीमारी है वो कहाँ से आ रही है, सारे आपके खान पीन के। आप देख लीजिए कैंसर तक यहाँ से हो जाता है, टमी कैंसर है, किडनी डिसऑर्डर है, प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम है, अन्नपूर्णता भी इसी की वजह से ही होती है, जो लास्ट का आप देख पा रहे हो। ये किससे हो रहा है, हमारा सारा खान पीन की वजह से। तो आप ध्यान रखिए कि आप क्या खा रहे हैं, खाने से पहले एक बार ये ऐसा करना कि सारी चीजें खोल के देखना कि कहीं मैं इस खाने से हमें मुझे इनमें से कोई बीमारी हो ना जाए। तो ये चीजें बहुत ध्यान में आपको रखनी है। और अब लेके चलते हैं व्हाट इज द स्किन, यानी कि ज्यादा पतला होना क्या हमारे लिए अच्छा है, अगर मोटा होना अच्छा है तो क्या ज्यादा पतला होना भी हमारे लिए अच्छा है। बहुत अधिक पतला होना भी हमारे लिए बहुत सारी बीमारियां पैदा कर देता है। बहुत से लोग क्या करते हैं, खाने को देखते हैं, और खाने को देख के वो क्या करते हैं, उल्टियां करने स्टार्ट करते हैं। वो ये आज तो घिया बनाया मैं नहीं खाऊंगा, तोरी बनाया मैं नहीं खाऊंगा, करेला बनाया मैं नहीं खाऊंगा, तो उससे क्या होगा, धीरे 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 उसके अंदर कमी आनी स्टार्ट हो जाती है। यानी कि उसको क्या होता है कि उल्टियां उल्टियां होने, यानी कि उसको लीवर की कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाती है, एंड स्टेज ऑफ द कैंसर, जो लास्ट स्टेज का जो कैंसर होता है उसमें भी लोग पतले हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि जब कैंसर आता है ना तो लोगों के अंदर क्या आता है कि बहुत पतले हो जाते हैं, बाल झड़ जाते हैं उनको, और ज्यादा ज्यादा लेने से, यानी कि कैंसर की वजह से। और अगर हमारा खून गाढ़ा हो जाता है वहां पे भी हम पतले हो जाते हैं, अगर हमारा लीवर खराब हो जाता है वहां पे भी हम पतले हो जाते हैं, अगर जैसे बूढ़े आदमी होते हैं उनकी खाल सुकड़ जाती है, वो देखा होगा कि खाल लटक जाती है, उससे भी हम पतले हो जाते हैं। बहुत सारी ऐसी बीमारियां जिससे हम पतले हो जाते हैं। और
बहुत सारे लोगों में कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, उससे भी हम पतले हो जाते हैं। तो यानी कि ना तो ज्यादा मोटा होना अच्छा है और ना ज्यादा पतला होना भी अच्छा है, क्योंकि ज्यादा पतला होने से भी हमारी बॉडी में बीमारी आ जाती है। न्यूट्रिशन ऑफ द एंटीज, अगर हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन होगा तो ये सारी बीमारियां खत्म होती चली जाएगी। अब ये कि अगर हमारी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम है तो उसमें हम कौन सी चीज दे सकते हैं? विटामिन डी, अगर विटामिन बी की कमी है तो वहां पे हम क्या दे सकते हैं? एफ ई प्लस भी दे सकते हैं, जिंक में जिंक दे सकते हैं, ओपीसी में एक्वस कोडर, जिम निमा, यानी कि जो हमारी बीमारियां आप देख पा रहे हो उस बीमारी में हम सप्लीमेंट दे सकते हैं चांस के, जो आप इसमें दे पा रहे हो। और अगर मैं लेके चलूं न्यूट्रिशन ऑफ द मैटर, अब आपके ऊपर बात है, आपके सामने सारा मामला ही हमारा न्यूट्रिशन के ऊपर है। अगर बिल्ली आई और आपने आंख बंद कर ली कि कबूतर ने आंख बंद कर ली कि मैंने आंख बंद कर ली तो बिल्ली मुझे नहीं खाएगी, तो वो चीज गलत है। आप आंख खोल के देखिए कि मैं खा क्या रहा हूँ, यानी कि आपकी बॉडी में टोटल न्यूट्रिशन होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आपकी बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिशन होगा, प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होगी, फाइबर की मात्रा ज्यादा होगी और ग्लूकोज की मात्रा धीरे धीरे कम हो जाएगी अपने आप ही, क्योंकि सारा मामला खान पीन का है, तो ये प्रॉब्लम आपके अंदर आएगी नहीं। तो और थैंक यू, बेटर ट्यास बेटर लाइफ, मेरा पार्ट यहीं तक था। आप समझ गए होंगे इस चीज के लिए कि किस तरह से हमें मेंटेन करना है, तो मेरा पार्ट यहीं तक था। तो मैं सोनी जी को बुलाऊंगी क्योंकि अगला जो पार्ट है वो सोनी जी का है। तो थैंक यू, आप सबने मुझे बहुत ध्यान से सुना, तो सोनी जी आप आ जाइए। जी थैंक यू मैम, थैंक यू, आपने इतना अच्छा सेशन दिया और आई थिंक लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि ज़्यादा मोटा होना भी हमारे लिए हानिकारक है, ज़्यादा पतला होना भी, और सभी को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और सभी से हमारी रिक्वेस्ट है, जो भी शेयरिंग करना चाहता है तो वो सबसे पहले अपनी वीडियो ऑन कीजिए, अगर कोई सवाल है तो आप हैंड रेज करके आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। तो अब हम चलते हैं शेयरिंग की तरफ, क्योंकि शेयरिंग भी बहुत ज़रूरी है, किसको कैसा सेशन लगा है। जैसे मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, मैंने बड़े ध्यान से सुना मैम को कि जो चीज़ें मुझे नहीं पता थी वो भी मेरे को क्लियर हो गई हैं कि कैसे मेटाबॉलिज्म सिंड्रोम से क्या बीमारियां होती हैं, ओबेसिटी से क्या बीमारियां होती हैं। जैसे कई लोग पतले होते हैं वो कहते हैं कि हम फिट हैं, तो ज़्यादा पतला होना भी ठीक नहीं है, उसके बारे में भी मैम ने हमें समझाया बड़े अच्छे से। तो थैंक यू मैम, इतनी अच्छी आपने मुझे नॉलेज दी, हम सबको नॉलेज दी, थैंक यू मैम। थैंक तो यू मैम, अब वेलकम। मैं लेती हूँ, जो वीडियो ऑन करेगा उसी को हम शेयरिंग का मौका देंगे, और कोई भी अगर क्वेश्चन है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले शोभा मैम का हैंड रेज हुआ है, तो मैम मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, आप अपना सवाल कीजिए। क्या आपका सवाल है? वेलकम है गुड मैम आप। मॉर्निंग सोनी जी, गुड मॉर्निंग चीतल मैम। मैडम आपके एंकरिंग तो बहुत बढ़िया है, आज आपका ड्रेसअप भी बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर लग रहे हो, और एंकरिंग के तो जितने अच्छे आप कोशिश कर रहे हो उतनी अच्छी एंकरिंग भी हो रही है, तो उसके लिए तो पहले तो मैम कॉन्ग्रेचुलेशन। और आज का जो सेशन रहा है मैडम ने कि मोटापे के कारण कितनी बीमारियां होती हैं, मोटापा बीमारी नहीं है पर मोटापे के कारण जितनी बीमारियां होती हैं उसमें मैडम ने आज जो ट्रेनिंग दी वो बहुत ही वंडरफुल थी, बहुत अमेजिंग थी, और कितनी सारी मोटापे के कारण हमें कितनी सारी बीमारियां भी फ्री में गिफ्ट मिलती हैं, और कैसे हम इन बीमारियों से बच सकते हैं, कैसे किसी को हम इसके बारे में बता के लिए अपने आप को, पहले तो अपने आप को ही फिट कर सकते हैं, और कौन से सप्लीमेंट किसी को रेकमेंड कर सकते हैं। तो आज का सेशन मैम बहुत जबरदस्त है, और सबसे ज्यादा थैंक यू देना चाहूंगी मैं गुप्ता सर को कि गुप्ता सर ने इतना अच्छा पैनल दिया है, हम लोग ना मिलते हुए भी डेली इससे मिल रहे हैं और इतनी अच्छी लर्निंग भी कर रहे हैं, तो थैंक यू मैडम गुप्ता सर को भी, किरण मैडम को और आपको, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, और शीतल मैम को भी थैंक यू इतनी अच्छी ट्रेनिंग देने के लिए, थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू यू। मैडम। अब अगला है मंजूषा पोडार, 6 स्टार मैम, आपका हैंड रेज है, तो मैम मैंने आपको अनम्यूट किया है, बताइए मैम आपका क्या सवाल है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं मंजूषा पोद्दार द्वारका मोड़ से, और सबसे पहले तो मेरा कोई सवाल नहीं है,
मैं तो मैडम के लिए कुछ बोलना चाहती थी। आज ने जो मैडम सेशन लिया जबरदस्त सेशन, पहले मैडम को देखती थी कि किसी विषय पे बोल रही है, किसी पैड पे बता रही है, आज पहली बार पीडीएफ पे मैडम ने सेशन लिया है, तो कमाल, सैल्यूट है मैडम, बहुत अच्छा सेशन हुआ। आज जैसे लोग बोलते हैं मोटा है तो फाइबर दे दो, FOS दे दो, बस मैडम ने उस पर बात नहीं की, मैडम ने बताया कि कहाँ पर हमारा प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन कहाँ है, उस जगह जड़ पे पहुंचो, उस मोटापे से वजह से कितनी बीमारियां आएगी तुम्हारे शरीर में वो देखो, हम मोटापा कम करेंगे, कैसे कम करेंगे वो सॉल्यूशन बताई है मैडम। हम एक एक दो ये अपना प्रोडक्ट दे करके नहीं हटा सकते किसी को, पूरे सॉल्यूशन पर, पूरा पूरा जो जड़ है, जड़ों पे बात किया है मैडम ने आज, तो बहुत ही कमाल सेशन, बहुत ही कमाल, सैल्यूट है मैडम को। आज पहली बार मैंने मैडम को पीडीएफ पे डाल करके सेशन लेते हुए देखा, तो थैंक यू सो मच शीतल मैडम, और थैंक यू सो मच मैडम आपका भी, आपने बहुत अच्छा, बहुत ही धैर्य से आपने आज एंकरिंग करी है, बहुत अच्छा लगा देख करके आपको, बहुत ही और बहुत धीरे धीरे बोल करके हरी सारी चीजें बहुत ही अच्छे से बोला आपने, थैंक यू आपका भी, एंड थैंक यू गुप्ता सर का, थैंक यू किरण मैडम का, सभी सीनियर का थैंक यू, जो इस पैनल में इन हर किसी को अपना अपना रखने का, नॉलेज ट्रेनिंग देने का मौका मिल रहा है, एंकरिंग करने का मौका मिल रहा है, और सबको निखारने का मौका मिल रहा है, ये सब का देन जो है हमारे सीनियर मेंटोर सर का, तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच मुझे